योगी सरकार के विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने पर दारुलूम और अन्य देवबंदी उलमा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम शादी के पंजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में निकाहनामा अपने आप में शादी का पंजीकरण है। वहीं उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण न करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने का फरमान उत्पीड़नात्मक है। योगी सरकार के फैसले पर इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज दारुलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबू कासिम नौमानी बनारसी ने कहा है कि शादी के पंजीकरण को जोर जबरदस्ती से लागू करना मजहबी आजादी के खिलाफ है। धार्मिक तौर पर शादी सिर्फ निकाह करने से हो जाती है। ये कहना कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो कानूनी हुकूक से वंचित कराया जाएगा, ये सीधे सीधे उत्पीड़न करने वाला फैसला है। मौलाना बनारसी ने कहा है कि हम शादी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कोई अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराता है तो आसानी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। दारुल उलूम ज़करिया के वरिष्ठ उस्ताद एवं फतवा ऑनलाइन के प्रभारी मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि योगी सरकार का यह फैसला जबरदस्ती थोपने वाला है। अगर इस फैसले को मुस्लिम फैसला बोर्ड की हैसियत से देखते हैं तो दो गवाहों के सामने निकाह हो जाता है, जिसमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। बोर्ड की राय है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं करना चाहिए।